So in today's class, we'll be covering the American Revolution as well as the American Civil War, and in between I'll take you to GS paper 2 jab hum log thoda bahut discuss karenge American Constitution ko leke aur recent abhi jo phenomena hai American presidential elections uske bare mein main aapko thoda bahut overview de dunga iska. Okay, so pehle shuruaat karte hain American Revolution se. To pehla prashn yahan se ubhar ke aata hai ki what is it? ये क्या है अमेरिका की क्रांति क्या है Why? What is American Revolution? So American Revolution, also known as American Revolutionary War and the War of Independence, fought between the Kingdom of Great Britain and the 13 British colonies on the Northern American continent from 1776 to 1783. तो एक ऐसी क्रांति किसके बीच में लड़ी गई थी कि ग्रेट ब्रिटेन जो एक मोनार्की वाला कंट्री है और उसके सामने युद्ध करने वाले वही ब्रिटिश सेटलर्स थे, वही यूरोपियन सेटलर्स थे जिन्होंने अपनी मदर कंट्री के विरुद्ध में ही क्रांति कर दी. ये क्रांति लगभग 7 साल तक चलेगी, 1776 से लेकर 1783, और 1783 में फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है और उसके बाद अमेरिका रिकग्नाइज कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा. ओके, तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू था अमेरिकी की क्रांति का. हम लोग को देखना है कि ये क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, व्हाई डिड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. ऐसी क्या हालत हो गई थी, ऐसी क्या समय की मांग थी कि अमेरिकी लोग जो बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन के थे, यूरोपियन ओरिजिन के थे, जिनके मूल ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर थे, वही लोग अपनी मदर कंट्री के विरुद्ध में क्रांति क्यों करेंगे. व्हाई डिड द ब्रिटिश सेटलर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट देयर ओन मास्टर्स, वो भी उनकी मदर कंट्री जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन से वहां से रह रहे हैं. तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहूंगा. ये बैकग्राउंड हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानने के लिए कि किस तरह से अमेरिका की क्रांति होती है. हमने देखा कि 1776 से ये शुरुआत हुई, पर जैसे कि मैंने आपको प्रीलिम्स के दौरान भी पढ़ाया था या इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी पढ़ा था कि हर एक मूवमेंट या हर एक क्रांति, जैसे 1857 का रिवॉल्ट बोलते हैं, तो उसके पीछे एक इमीडिएट कॉज था और एक फंडामेंटल कॉज था ना, कि इमीडिएट कॉज क्या था कि आपकी ग्रीस कार्ट्रिज जो आपकी पिग फैट एंड बीफ फैट दोनों के कोटिंग से बनती थी और हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों नाराज हो गए, उसके कारण दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग. बट फंडामेंटल रीजंस और पॉलिटिकल रीजंस, जहां पे इंडियन स्टेट्स को सब्जुगेट कर दिया जाता था, उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ उनकी गद्दी छीन ली जाती थी, सोशल रीजंस, रिलीजियस रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, बहुत सारे रीजंस थे. तो उसी तरह से अमेरिका की क्रांति भी बहुत ही लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, और वो लॉन्ग टर्म फिनोमिना के लिए मैं आपको लेने जाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर. अब हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, फिर से हम लोग मिडिवल से मॉडर्न की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, वो यूरोप की तरफ जाएंगे. ओके, और ये यूरोप के अंदर यहाँ पे रानी राज किया करती थी, या ब्रिटिश मोनार्क हम लोग बोलेंगे. ब्रिटिश मोनार्क ने अपने एक भतीजा था, उनका नाम था कैप्टन रसल, और कैप्टन रसल को बोल दिया, बोले जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. और सिमरन आ गई इंडिया के अंदर. ओके, तो जा रसल, जा जी ले अपनी जिंदगी, आपको दिख ही रहा है. 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट के अंदर दस्तखत रखेंगे और बोलेंगे कि जहांगीर साहब हमको परवाना दे दो, गिव अस परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री, गिव अस परमिशन टू ट्रेड ओवर हियर. सिमिलरली पैरेलल यहाँ पे जो इंडिया के अंदर यहाँ पे अंग्रेज आए थे, उसी तरह से यूरोप से अटलांटिक क्रॉस करके, अटलांटिक ओशन क्रॉस करके बहुत सारे वाइट सेटलर्स अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट उस टाइम पे ऑलरेडी ढूंढा चुका था, उसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर चले जाते हैं. और कैप्टन रसल का जुड़वा भाई जिसका नाम था श्री श्री ट्रम्प, और श्री श्री ट्रम्प को वहां पे सेटल करा दिया गया कि चल भाई तू भी वहां पे सेट हो जा. तो एक साइड के ऊपर इंडिया के अंदर सेटल करा दिया, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस, दूसरी साइड पे पैरेलली यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज बनाने लग गए. तो ब्रिटेन के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, उनको ना फोकस करते हुए आई लाइक टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ दैट हाउ द अमेरिकन सेटलमेंट स्टार्टेड, हाउ डिड द ब्रिटिश सेटल्ड इन अमेरिका. ओके, तो पहला मुद्दा आपको समझ में आ रहा है कि 1600 के अंदर इनका कॉलोनाइजेशन शुरुआत होती है. सो 1600 से लेके 1776 तक
इनकी पूरी की पूरी ये कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, और वो प्रोसेस के अंदर ही कुछ लोचा हो जाता है, और वो लोचे के कारण ही क्रांति हो गई। सिंपल चीज है, ओके। तो वहां से ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से डेवलपमेंट आगे चला। अब हुआ ये कि मैंने आपको बताया कि कैप्टन रसल जो हमारे इंडिया के अंदर राज करने आया था, उसका जुड़वा भाई श्री श्री ट्रंप साहब, वो सबसे पहली कॉलोनी 1607 के अंदर वर्जीनिया नाम का जो स्टेट है वहां पे जेम्सटाउन नाम की जगह है, वहां पे किंग जेम्स जो इंग्लैंड के राजा थे उनके नाम के ऊपर से इन्होंने कॉलोनी बनाई थी, सबसे पहली कॉलोनी वहां पे सेटअप कर देते। ओके, सो द फर्स्ट कॉलोनी वाज सेटअप बाय द इंग्लिश एट द जेम्सटाउन, और वो भी वर्जीनिया नाम के स्टेट के अंदर। अभी ये प्रोसेस एक कॉलोनी सबसे पहले बनी, धीरे 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 1732 तक आते आते ये एक से बढ़ के बढ़ते बढ़ते एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, चार से दस हुए, दस से फाइनली 1732 तक आते आते 13वीं कॉलोनी बन जाती है आपके जॉर्जिया नाम का एक स्टेट, जो जॉर्जिया नाम की एक जो कॉलोनी थी वहां पे इनको सेटल करा दिया जाता है। ओके, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अमरीका के अंदर जो ब्रिटिश सेटलमेंट था वो बहुत ही ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल मतलब आज यहाँ पे गए, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, थोड़े सेटलर्स को यहाँ बिठाया, थोड़े सेटलर्स को वहाँ बिठाया, तो उस हिसाब से उनको सेटअप करा दिया गया, उनको बोल दिया गया कि आधे यहाँ रहो आधे यहाँ रहो बाकी सब मेरे पीछे आओ, उस तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। तो ये आपकी 13 कॉलोनीज है। कैन यू सी जॉर्जिया वाज द लास्ट वन, सबसे साउथ के अंदर आती है, देखो दिख रहा है आपको, फिर साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलवर, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क एंड पेंसिल्वेनिया। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और इस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ। मैंने आपको सबसे पहले बताया 1607 के अंदर वर्जीनिया, 1620 के अंदर मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, डेलवर एंड फाइनली इन 1732 द जॉर्जिया कॉलोनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो उनके फाउंडर्स है कौन कौन है, और रॉयल कॉलोनी बनी कि नहीं बनी, डायरेक्टली उनके साथ रॉयल अटैचमेंट था कि नहीं था, उसके बारे में थोड़ा बहुत ये डिटेल दिया गया है टेबल के अंदर, बट वहां पे हमको नहीं जाना है। हमको देखना यह है कि ए पहली कॉलोनी कब बनी थी आपकी वर्जीनिया के अंदर 1607 के अंदर। फाइनली 13th कॉलोनी बनती है आपकी 1732 के अंदर, जिसका नाम है जॉर्जिया। अब याद रखिए सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको बताया कि अमरीका की क्रांति क्या थी, अमरीका की क्रांति क्या थी कि भाई यही 13 कॉलोनीज ने अपने कॉलोनियर मास्टर्स के विरोध में रिवॉल्ट कर दिया, और वही रिवॉल्ट अल्टीमेटली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर के ऊपर भी कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि 1607 में इनको जब सेटल कराया जाता है सबसे पहले इनिशियली, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट 1776 तक आते आते द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर कंट्री इंग्लैंड एंड द कॉलोनी बिकेम वर्स ड्यू टू सर्टेन रीजंस, एंड एज अ रिजल्ट द अमेरिकन्स ट्राइड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड एंड द ब्रिटिश रूल। ऐसी क्या हालत हो गई थी कि जो सेटलर्स को ब्रिटेन ने वहां पे बसाया वही सेटलर्स 1776 तक आते आते बाय 1776 दे थॉट ऑफ रिवॉल्टिंग। ऐसी क्या वारदात हो गई थी, ऐसी क्या वाक्य हो गई थी, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ऐसी क्या हालत हो गई थी कि अमेरिका के लोगों को क्रांति करनी पड़ी। हम लोग को ये अगर आपको जानकारी चाहिए कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, तो उसके लिए हमको द ग्रेट अमेरिकन स्टोरी पढ़ना जरूरी है। अब देखिएगा कि ये एक ऐसे देश की जो डेवलपमेंट है, ये एक ऐसे देश की फाउंडेशन की बात कर रहा हूं जिसे आज हम लोग अंकल सैम कहते हैं ना, कि द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, माइग्रेंट से बना हुआ कंट्री, पूरी दुनिया के माइग्रेंट्स वहां पे आके सेटल किए गए हैं, 300 साल से ज्यादा इनका इतिहास नहीं है, पर आज वर्ल्ड का डॉन बन के बैठा है। यूनिपोलरिटी की तरफ हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि एट टाइम्स वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी, कि हम लोग जो प्रेजेंट टाइम है वो अमेरिकन हेजेमनी के अंदर ही जी रहे, तो दादागिरी करते रहते हैं वो अपनी। तो हम लोग देखेंगे कि ये दादागिरी करने की शुरुआत कैसे करेंगे द ग्रेट अमेरिकन स्टोरी के तहत। तो पहला मुद्दा आपको समझ में आ रहा है कि 1607 में सेटलमेंट, 1732 तक आते आते 13 कॉलोनीज, एक से करके 13 हो गए, तो संगठन इनका बढ़ा, संगठन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ब्रिटेन ऐसी क्या वारदात कर रहा था कि इनको 1776 तक पूरी की पूरी क्रांति करनी पड़ी। इसके लिए हमको जानने पड़ेंगे कॉजेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन।
जनरली ये कॉजेस को हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग इसको अलग अलग वे के अंदर आइडेंटिफाई करा सकते हैं। जैसे एक कॉज है जिसे कहा जाता है सोशियो कल्चरल कॉज, कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे अमरीकी क्रांति के। ऐसी क्या वारदात और वाकया हो गया था कि अमेरिकन्स को सामाजिक तौर के ऊपर पिछड़ा रखा जाता है ब्रिटेन के द्वारा, या अमेरिकन्स इतने डेवलप हो गए ब्रिटेन से कि सोशली एंड कल्चरली कि उनके साथ उनकी आइडियोलॉजिकल कुछ मैच नहीं होता है और इसके कारण इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। दूसरा कारण हो सकता है वो है पॉलिटिकल, राजकीय रूप से ब्रिटेन क्या चाहता था अमेरिका को लेके और अमेरिकन्स क्या चाहते थे ब्रिटेन को लेके, उसके बीच में भी इनके बीच में मतभेद थे। तीसरा कारण था आपका आर्थिक। हमेशा याद रखिएगा, क्रांति कोई भी पढ़ो ना आप, ये उसकी ग्रेवी है। सोशियो कल्चरल रीजंस आपको देखने के ही मिलेंगे। 1857 का रिवॉल्ट भी हमने पढ़ा था, तो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर भी यही पढ़ा कि सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, तो सेम वे आपका 1776 का जो अमेरिकन रिवॉल्ट है वो भी सेम इसी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल रिवॉल्ट। अब देखिए कि ये 13 कॉलोनीज थी, ये 13 की 13 कॉलोनीज के अंदर खास करके यहां पे एक सिस्टम हुआ करता था। उनका खुद का एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, उनका खुद का लेजिस्लेचर हुआ करता था और उन सब के ऊपर उनका डॉन बैठता था जिसका नाम था गवर्नर। साथों साथ इनकी एक मिलिट्री चीफ भी था। ये 13 की 13 का इंडिपेंडेंट फेनोमिना था यहाँ पे। अब ये इंडिपेंडेंट फेनोमिना के तहत ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये इनकी लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म के अंदर था। तो ये लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी और लोकल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कॉलोनी के लोग ही लेजिस्लेचर के अंदर बैठते थे, कॉलोनी के लोग ही एग्जीक्यूशन करने के लिए, जो आपकी नीचे की लेवल की जो पोस्ट थी गवर्नमेंट के अंदर, जो कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसके अंदर उनका जमावट और अड्डा हुआ करता था। बट हुआ ये कि ये जो सबसे ऊपरी पोस्ट है जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नर या मिलिट्री चीफ, वो कहाँ से अपॉइंट किया जाता है भारत में? कहाँ से अपॉइंट करते थे हम लोग? इंग्लैंड से आता था ना, बड़े बड़े लॉर्ड साहब आए ना, क्लाइव आए थे, हेस्टिंग्स आए, कॉर्नवालिस आए, कर्जन आए, कितने लोग है, डफरीन आए, कितने लोग है, सबको कहाँ से अपॉइंट करते थे? इंग्लैंड से। द सेम वे द ब्रिटेन और द इंग्लैंड यूज टू अपॉइंट दिस गवर्नर एंड द मिलिट्री चीफ एंड द लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट हैड एनी से विथ रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड द मिलिट्री चीफ। तो यहाँ पे हमको जानकारी मिल रही है कि जब पॉलिटिकल वे की हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटिकली द अमेरिकन्स वर नॉट हैविंग इनफ रिप्रेजेंटेशन एट द हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सबसे करता हरता कौन होता है? गवर्नर। अभी गवर्नर तो इंग्लैंड से अपॉइंट किया जाता था, बोले चल 4 साल इसका टर्म, 4 साल इसका टर्म, 5 साल इसका टर्म, उस हिसाब से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है। अब देखिएगा कि 1607 के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कॉलोनियल सेटअप है, ये कॉलोनियल सेटअप को अमेरिकन्स इसको वेलकम करेंगे, बोले कोई बात नहीं। इनिशियली द इंग्लिश एंड द अदर सेटलर्स वेलकम द पॉलिटिकल सेटअप बाय इंग्लैंड, बट हाउ लॉन्ग दे विल लाइक दिस? क्योंकि जब 1607 के अंदर सेटल करा दिया गया तो यहाँ पे अमेरिकन जो है, आज के जो प्रेजेंट अमेरिकन है उनका हम लोग कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लेते हैं, अपने आप को बहुत ही प्रखर अमेरिकन बोलते हैं ये भाई साहब, तो खैर वहाँ पे ना जाते हुए यहाँ पे हम लोग वापिस आ जाते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ कि 1607 के अंदर इनको सेटल कराया। 1607 के बाद ही इस तरह का कुछ तिकड़म रचा के इनका पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बना दिया। इनिशियली तो सबको पसंद आया कि चलो कोई बात नहीं, इंग्लैंड हमारे भले के लिए है, बट कब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेप्ट किया जाएगा अमेरिकन्स के द्वारा? एंड इन कोर्स ऑफ टाइम बाय 1750s, 1760s एंड 1770s द अमेरिकन स्टार्टेड द डिमांड फॉर होम रूल, द अमेरिकन स्टार्टेड द डिमांड फॉर स्वराज। जैसे इंडिया के अंदर 1905 के अंदर हम लोग जो डिमांड कर रहे थे उसी तरह की कुछ डिमांड अमेरिकन्स करने लग जाते हैं। अब अमेरिकन्स यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि हमको थोड़ा बहुत हमारा रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमको, हम लोग को होम रूल दे दो। ब्रिटेन देगा? ब्रिटेन कुछ नहीं देगा। ब्रिटेन बोलेगा कि भाई आप हमारी कॉलोनी हो, हमने आपको यहाँ पे इसके लिए ही सेटल कराया है। क्यों? क्योंकि कॉलोनी का सेटअप क्या होता है कि यहाँ पे मदर कंट्री कॉलोनी को एक्सप्लोर करेगा, जैसे इंडिया के अंदर किया मदर कंट्री इंग्लैंड।
इंडिया को एक्सप्लोर किया कि नहीं किया, सब कुछ लेके चले गए ना, बोले गोगा मास्टर हूं, मुगेम्बो का भतीजा आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तो कुछ क्या, सब कुछ लेके चले गए यहां से। तो उसी तरह से जब यहाँ पे अमेरिकन्स ग्रेजुअली अपनी पॉलिटिकल डिमांड रखना शुरू करते हैं, तो ब्रिटेन बोलता है कि व्हाट होम रूल, बोले हमने आपको एक कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की पैटर्न के तहत वहां पे सेटल कराया है, सो देयरफॉर इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज ऑन वन साइड द अमेरिकन्स स्टार्टेड डिमांडिंग द होम रूल एंड ब्रिटेन वॉज फॉलोइंग द पाथ ऑफ इंपीरियलिज्म, एंड एज अ रिजल्ट ड्यू टू दिस आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ना ही था। अमेरिकन्स आज नहीं तो कल पॉलिटिकली इंग्लैंड को चैलेंज करने ही वाले थे, उसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि इन लोग ने चैलेंज क्यों 1776 तक आके किया, क्योंकि इनिशियली जब सेटल करा तब इनको भी थोड़ी बहुत मदद चाहिए थी। अब मदद हो गई, उसके बाद तो पूरा का पूरा डंका यहाँ पे सिस्टम चला जाएगा। तो पहला रीजन आपको समझ में आ रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत, जिसको मैंने आपको बताया पॉलिटिकल कॉजेस, और वो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर हमने जानने की कोशिश की कि पॉलिटिकली अमेरिकन्स बहुत ही मैच्योर होने की कोशिश कर रहे थे, उनको खुद का जो एक सेल्फ रूल चाहिए था, एक होम रूल चाहिए था, एक स्वराज चाहिए था, वो स्वराज की डिमांड कर रहे थे, बट इंग्लैंड ने कभी उनकी वो डिमांड नहीं मानी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जब आप इवोल्यूशन को हैम्पर करोगे तब तब रिवॉल्यूशन होगा। अगर इंग्लैंड ने अमेरिकन्स की डिमांड मांग ली होती या मान ली होती पॉलिटिकल डिमांड्स की, तो हो सकता है कि अमेरिकन्स को पैसिफाई करा दिया जाता और आपके यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं होता। तो पहला आपको मुद्दा समझ में आ रहा है वो है पॉलिटिकल। अब हम लोग थोड़ा बहुत सोशल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं और सोशल कॉजेज भी देखेंगे अमेरिकन्स का किस हिसाब से डेवलपमेंट होता है। अब देखिए एक चीज को, 1607 मतलब 17th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड ने अमेरिकन्स को सेटल कराया, मान लिया हमने। अब ये 1607 के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, इंग्लैंड क्या करता था कि जो भी कन्विक्टेड लोग हैं, जो एंटी सोशल हम लोग कहते हैं ना असामाजिक तत्व, जैसे आज की तारीख में बहुत बार जिले के अंदर असामाजिक तत्व बढ़ जाते हैं, तो SP साहब जो होते हैं उनको तड़ी पार कर देते हैं, बोले आपको यहाँ पे नहीं रहना है, फिर कोर्ट का ऑर्डर लेके आ जाते हैं। तो उसी तरह से ब्रिटेन ने अपने इंग्लैंड के अंदर ही जो उसकी जहाँ पे उसकी जो रीत थी वहां पे रहने वाले जितने भी इलीगल या आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स जो थे उन सबको डिपोर्ट कर करके बोट में बिठा देते थे, बोले जा बोट क्रॉस करके अटलांटिक चला जा। फिर धीरे धीरे उनमें से ही बहुत सारे लोगों को इन्होंने साउदर्न साइड की तरफ सेटल करना शुरू करा दिया था, ओके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश है वो भी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि उन सबको डिपोर्ट कराए थे। अब इनका मानना ये था कि इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी वो इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, ये जितने भी वेस्टर्न एलिमेंट्स थे, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव थी। मिडिवल यूरोप की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम चलता था, ऐसा प्रिविलेज जैसे एक हैट जो था ना, जेंट्री ऑफ हैट, बोले बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर एक सोसाइटी का एक सेक्शन था जो बड़ी सी हैट पहनता था, आपने देखी होगी पुराने टाइम्स के अंदर वो जादूगर पहनता है, अंदर से फिर रैबिट निकालेगा और कबूतर निकालेगा और बहुत सारी इतनी बड़ी होती है, ओके तो वैसी हैट हुआ करते, तो वो सब नहीं पहन सकते थे, ओनली द इलीट पीपल कुड वेयर दिस, एंड एज अ रिजल्ट द कॉमन मैन यूज टू फील कि यार मुझे तो साइडलाइन कर दिया। तो बहुत ही इलिटिस्ट सोसाइटी, और ये इलिटिस्ट सोसाइटी बेसिकली बहुत कंजर्वेटिव थी। तो जो जो लोग इन लोग को चैलेंज करते थे ना इंग्लैंड के अंदर, तो उन लोग को बोल दिया जाता कि भाई चलो चलो पैकअप करके निकलो तुम यहां से, और बहुत सारे लोग कंटाल भी गए थे इससे, ओके। एंड ब्रिटेन की एक ही थॉट रहता था कि हमने अमेरिका को डेवलप किया है, वी हैव डेवलप्ड अमेरिका एंड देयरफॉर इट इज आवर कॉलोनी, ये हमारी कॉलोनी है, हमने आपको बसाया है, याद रखिएगा आप लोग, ये ब्रिटेन का एटीट्यूड। बट अमेरिकन्स इनिशियली अनएम्प्लॉयड लोग थे, कन्विक्स थे, ऐसे लोग थे जो अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते थे सोसाइटी के, सबको लगा कि यार इंग्लैंड की सोसाइटी को छोड़ के हम लोग नए देश की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे रहेंगे वैसा ही हम लोग धीरे 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 अपना विकास कर देंगे। सो इनिशियली दे डिड नॉट अपोज द डायरेक्ट रूल बाय इंग्लैंड। इंग्लैंड जिस हिसाब से जो डायरेक्टली शासन करता था पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत, हमने देखा पिछली स्लाइड्स के अंदर, उनको इन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनका मानना यही था कि भाई हम लोग को थोड़ा बहुत बसाया है, ब्रिटेन की जो समाज व्यवस्था थी, जो ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम थी, ब्रिटेन की सोशल सिस्टम थी, उससे तो हमको छुटकारा मिला,
कोई बात नहीं, 1607 का समय था, 17वीं सदी ट्रांजिशन के अंदर हम लोग जा रहे थे, ये लोग नए नए सेटल करने आए थे, अब देखेगा आगे होता क्या है। 1607 के अंदर तो ये चल गया भाई कि यहाँ पे जो कन्विक्स को या वेस्टेड इंटरेस्ट को उन सबको सेटल करा करा के इन्होंने अमेरिका भेज दिया, बोले जाओ 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 यहाँ पे, जिसको भी ब्रिटेन में तकलीफ है वो सब चले जाओ। तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से भी ब्रिटेन चले गए, चलो कोई बात नहीं हमको नहीं रहना यहाँ पे, बढ़िया बात है। अब हुआ क्या कि ये 1607 के अंदर इन्होंने अपोज नहीं किया, क्योंकि इनिशियली नए नए थे तो पॉलिटिकल इनका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। बट 1730 तक आते आते अमेरिका के अंदर परिस्थिति बदल गई थी, वो परिस्थिति पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लैंड के अंदर देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 1607 के अंदर जो ब्रिटिश सोसाइटी थी वही 1700s के अंदर भी ब्रिटिश की सोसाइटी रहेगी। इलिटिस्ट, कंजर्वेटिव बाय थॉट, बहुत ही रिजिड प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम ब्रिटेन के अंदर वैसा ही चलता रहा था, तो लोगों को कोई अधिकार नहीं, ब्रिटेन अपने दिमाग की अंदर की जो पुरानी जो राय भरी हुई थी वो निकाल नहीं पा रहा था, और ब्रिटेन तो अभी तक वही बोल रहा था, बोले अमेरिका हमारी कॉलोनी है, हमने इन लोग को बसाया है। मतलब पूरी जिंदगी भर, मतलब 100 जनरेशन तक आप वही का वही क्लेम करते रहोगे कि भाई मैंने आपको सेटल कराया, मैंने आपको, तो कोई ना कोई इंसान तो बोलेगा कि भाई तू कौन बे, मतलब तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमको सेटल कराया था, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को, तो उसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अमेरिका के अंदर भी यही हुआ कि बाय 1730s दी अमेरिकन्स रियलाइज के वी आर अमेरिकन्स फर्स्ट, बोले हम अमेरिकी है सबसे पहले, एंड वी डोंट गिव अ डैम टू इंग्लैंड। बोले आप कौन, ब्रिटेन की रानी बोलती, मैं ब्रिटेन की रानी हूं, तो अमेरिकन्स बोलते तू कौन बे, बोले काहे हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल कर रहे हो। तो ये कंडीशन आ चुकी थी अमेरिका के अंदर कि जो 1607 के अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत अपोज नहीं किया था, वो अपोज 1720s, 30s, 40s तक आते आते सोशली बढ़ जाएगा। एंड द अमेरिकन सोसाइटी ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन यू कंपेयर विथ द इंग्लिश सोसाइटी वाज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, क्योंकि ये कंजर्वेटिव विचारधारा से माइग्रेट किए हुए लोग थे, इनको पता था कि ये जो रिजिडिटी इन थॉट है ना, उसको लेके हम लोग नहीं जी पाएंगे। और बेचारे कंटाले हुए लोग, भूखे तरसे लोग जो इंग्लैंड के अंदर उनका शोषण हुआ होता था वैसे लोग थे, और वो लोग जब अमेरिका के अंदर सेटल करते हैं तो सामाजिक रूप से वो बहुत ही प्रगतिशील हो जाते हैं, बहुत ही उदारवादी विचारधारा थी उनकी। तो वो लिबरल थॉट, वो प्रोग्रेसिव थॉट के साथ अमेरिकन सोसाइटी 1720s एंड 30s तक बहुत डेवलप हो गई। उसके सामने ब्रिटेन अभी तक पूरा का पूरा, उसका जो दिमाग जो था ना उसके अंदर उसका भूसा भरा हुआ था। ब्रिटेन 1607 के अंदर भी वैसा था, 1730s के अंदर भी वैसा था, और समय की मांग इतिहास के अंदर यही कहती है कि भाई चेंज हो जाओ, चेंज होगे तो, और एडप्ट कर लिया तो आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, अगर आपने अडप्ट नहीं किया तो कोई ना कोई आपको कानपट्टी के नीचे बजा के चला जाएगा। अमेरिकन्स ने भी यही किया, अमेरिकन्स ने बोल दिया कि वी आर अमेरिकन्स फर्स्ट एंड व्हाई इज इंग्लैंड रूलिंग ओवर अस। सो सोशली द अमेरिकन सोसाइटी स्टार्टेड दिस प्रोग्रेसिव थॉट, और वो वहां से ब्रिटेन के साथ आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट में आना बहुत लाजमी चीज थी, और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट ब्रिटेन एंड अमेरिकन्स के बीच में धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। सो फ्रॉम 17th century टू 18th century द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट वॉज देयर, और इसी के कारण अमेरिका की क्रांति होती है, क्योंकि 17वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन सेम थे सामाजिक रूप से, पॉलिटिकली ब्रिटिश लोग ही अमेरिका के ऊपर रूल कर रहे थे, आर्थिक रूप से भी ब्रिटेन ने थोड़ा बहुत इनको सहायता कर दी थी कि भाई चलो यहाँ पे सेटल करना है, ब्रिटेन को फायदा भी होता था इससे। बट 18वीं सदी की बात करेंगे, वेल वी टॉकिंग अबाउट द 18th century एंड पर्टिकुलरली इन दी बाय दिस टाइम, सो 1720s, 1730s, 1740s का जो टाइम था, तो वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकली अमेरिकन्स बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके थे, और उनको ये ब्रिटेन का कंजर्वेटिज्म नहीं पसंद आता था। तो ब्रिटेन की सोसाइटी और अमेरिका की सोसाइटी आपको समझ में आ रही है किस तरह से डेवलप हुआ। अब हुआ ये कि ये लिबरल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, अमेरिकन्स बहुत ही इंडिविजुअल और मटेरियलिज्म की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या था, ब्रिटेन के अंदर मोनार्क जो बोलेगा वो सब कुछ चलेगा। अब यहाँ पे तो अमेरिकन्स ने हर एक इंडिविजुअल को फोकस किया, क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि भाई हमारे यहाँ व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इनका मटेरियलिस्टिक थॉट था जो इनको आगे लेके जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव
a liberal society which focused on individualism and materialism. Materialism or individualism ke upar jab aapki puri ki puri samaj ki nahi focus kar rahi hai, to isi ke karan ek naya hybrid culture upar ke aaya, jise kaha jata hai the American culture. Hum log bolte hai na, aaj ki tarikh mein bhi bolte hai, bole American culture, American culture. Kitne migrants the aur har ek migrants apne desh ki jo vichardhara hai, jahan se belong karta hai, wahan se bahut sare log kantal ke aaye hue the. Jab iski baat karenge 18th century ke andar, aur wo log jab settle hote hain to wo apna thought leke aate hain, aur wo thought ke karan ek naya culture ka janam hua, jise hum log the great American culture kehte hain. Bahut hi cosmopolitan society aur open society ki taraf chala gaya, aur isi ke karan ये 17th और 18th सेंचुरी से जो ट्रांजिशन हुआ है अमेरिकन सोसाइटी का, वो ट्रांजिशन अमेरिका की पूरी फाउंडेशन बनाता है. बहुत लिबरल है ना आज भी अमेरिका. अमेरिका को हम लोग देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. कैपिटलिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है. क्यों? क्योंकि मटेरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म को थॉट है. कैपिटलिज्म क्या है? वही लिबर्टी वाला ही है ना, बोले फ्री मार्केट. तो यहाँ पे भी इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म क्या है? बोले फ्री कर दो. अमेरिकन कल्चर क्या है? हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्नाइज कल्चर, अमेरिकन कल्चर, और उसके आपके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बहुत है. तो आपके जीएस पेपर वन के अंदर है ना ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट, तो उसके अंदर हम लोग देखते रहते हैं. अब ये अमेरिकन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है अमेरिकन कल्चर का, और ये कॉस्मोपॉलिटन ओपन सोसाइटी किस तरह से डेवलप होगी उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत झलक दे देता हूँ. अब समझिएगा कि अमरीका के अंदर बहुत सारे मूल के लोग रहने आ गए. जैसे ये भाई साहब थे ब्रिटेन से आए हुए, और ये मैडम जी जो है वो फ्रांस से आई हुई थी. अब इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वर्जीनिया के अंदर रहते हैं, ये जॉर्जिया के अंदर रहती है, साउथ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना के अंदर. वर्जीनिया नॉर्दर्न स्टेट्स में आता है, आपका जॉर्जिया साउदर्न स्टेट्स के अंदर आता है. तो एक दिन ये मिलते हैं, बोले हेलो लेडी हाउ डू यू डू. तो ये फ्रेंच में बोल दिया, बोले सल्यूट, बोले बुजोर करके बोल दिया, बोले नमस्कार, हम मजे में हैं, आप कैसे हो. दूसरे दिन फिर से ये भाई साहब ये मैडम जी को मिल गए, बोले आप क्या करते हो. बोले मैं तो यहाँ बिजनेस करने आया हूँ. बोले कहाँ से बिलोंग करते हो. बोले मैं लंदन से बिलोंग करता हूँ. तीसरे दिन वापस मिले, चौथे दिन वापस मिले, पांचवें दिन वापस मिले, ऐसे करके 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 इनका ट्रेडिंग और इनका इंटरेक्शन बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे. और इसी के कारण एक दिन भाई साहब ने बोल दिया, बोले आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया. और इसी के कारण इनका जो पूरा का पूरा जो सोशल अप्रोच था, वो सोशल अप्रोच फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हुआ. और यहाँ पे एक दिन इसको प्रपोज कर देते हैं, बोले मुझसे शादी करेगी. फ्रेंच मैडम ने बोल दिया, बोले कोई बात नहीं, यस आई एम रेडी टू मैरी यू. और इसके बाद जो नया कल्चर उभर के आया है उसी को ही हम लोग कहते हैं अमेरिकन कल्चर. तो अमरीका की जो समाज अब जो बन के आ रही थी वो कैसी बनी? जैसे ये भाई साहब है, ये भाई साहब ने बता दिया कि मेरे पेरेंट्स यूरोप से बिलोंग करते थे. माय पेरेंट्स बिलोंग टू यूरोप बट आई एम द अमेरिकन पर्सन. क्यों? क्योंकि मैं अमेरिकी हूं, मैं सेकंड जनरेशन अमेरिकन हूं. मेरे पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन थे जो यूरोप से माइग्रेट होके आए थे. मेरे बाऊजी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे. मेरी मदर जो है वो फ्रांस से बिलोंग करती थी. बट इनकी जो प्रोजेनी आई वो प्रोजेनी ने थूक एकदम थड़े आम बोल दिया, बोले कोई बात नहीं, वी आर अमेरिकन फर्स्ट. और इसी के कारण ऐसे ही हाइब्रिड अमेरिकन कल्चर की शुरुआत हो जाती है. फ्रांस के अंदर भी ऐसी ही थी, फ्रांस के अंदर भी रिजिड कंडीशन थी, इंग्लैंड से भी बदतर हालात थे. हम लोग देखेंगे जब हम लोग अमेरिका से फ्रांस की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी किस तरह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो मेजर कॉजेज बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उसको. तो ये अमेरिकन सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, जो कॉस्मोपॉलिटन एंड ओपन सोसाइटी, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इनकी पूरी एक नई सोसाइटी बन के आ गई और सब अपने आपको अमेरिकन्स बोलने लग गए. और ये अमेरिकन्स लिबरल्स, ये अमेरिकन्स प्रोग्रेसिव, ये अमेरिकन्स हार्डवर्किंग पीपल जो इंडिविजुअलिज्म के अंदर मानते हैं, जो मटेरियलिज्म के अंदर मानते हैं. और ब्रिटेन का समाज तो वही आपका पूरा का पूरा कंजर्वेटिव रिजिड थॉट, किसी को एक दूसरे के साथ मिलने ना दे. तो ये कंडीशन के तहत अमेरिका की सोसाइटी डेवलप हो जाती है, और ये अमेरिकन सोसाइटी ही अमेरिका की क्रांति करेगी. अब याद रखेगा आप लोग कि उस टाइम के अंदर अमेरिका की सोसाइटी को तीन भाग के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. पहले सबसे ऊपर
ट्राइंगल हम लोग के तौर के ऊपर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि सबसे ऊपर जो आपके एपेक्स के ऊपर है वो है आपके जो ब्रिटिश सेटलर्स है, जो यूरोपियन सेटलर्स है, जिनको हम लोग अमेरिकन कहते हैं। ट्रायंगल का जो दूसरा नीचे के दो बेसिस है वहां पे भी दो और प्रकार के लोग अमेरिका के अंदर रहते थे। एक तो थे आपके नेटिव, जिसको हम लोग रेड इंडियंस कहते हैं। ये वही रेड इंडियंस थे, इनको खदेड़ के अमेरिकन ने, खास करके यूरोपियंस ने इनको हटा दिया और उनकी जमीन के ऊपर अपनी खेती वेती बना के यहाँ पे पूरा का पूरा अपना सिस्टम डेवलप किया। और तीसरे प्रकार के जो लोग थे वो थे स्लेव्स। आपने एक मूवी आया था जेंगो अनचेंड करके, वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम दिखाया गया। बहुत सारे मूवी है हम लोग देखेंगे, खैर इतिहास को मूवी की पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा जा सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये वो स्लेव्स थे जिनको अफ्रीका से लिया जाता, अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था, अमेरिका से फिर इनको इंटीरियर पार्ट्स के अंदर खेती बेती के लिए भेजा जाता था और उनको वहाँ पे खेती कराने के लिए उनको वहाँ पे पुश किया जाता था। ओके, तो ये वो स्लेव्स थे जो अफ्रीका से लाया करते थे। और बेसिकली क्रांति जो की है, रिवॉल्यूशन जिन्होंने किया है, वो इन्होंने किया, द अमेरिकन्स, नॉट द नेटिव इंडियंस और द रेड इंडियंस और द स्लेव्स। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज फॉट, और द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट बाय द अमेरिकन्स और द यूरोपियंस और द ब्रिटिश सेटलर्स, जो 1607 से बसते 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 1776 तक अपने आप को अमरीकी कहने के लिए वो अपनी कवायद कर रहे थे। ओके, तो अपने आप को अमरीका की नागरिक बोलने के लिए इनके अंदर एक गर्व था, इनके अंदर एक अभिमान था, और सामाजिक रूप से ये लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव और लिबरल थॉट और लिबरल विचारधारा इन्होंने रखी थी। ओके, तो पहला मुद्दा आपको समझ में आ रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी, और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी जो अमेरिकन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट के अंदर भी जो क्रांति करने वाले लोग थे वो खाली ट्राइंगल का एपेक्स रहेगा। ये जो नीचे वाले लोग हैं जिनको हम लोग स्लेव सोसाइटी बोलते हैं, तो जेंगो ये कैरेक्टर का नाम है, जेंगो अनचेंड के अंदर था, एंड यहाँ पे जो नेटिव इंडियंस, जो रेड इंडियंस भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि सोशल कॉसेस हमने थोड़े बहुत देखे, हमने देखा कि पॉलिटिकल एडवांसमेंट किस तरह से हुआ। अब हम लोग देखते हैं वो है इकोनॉमिक कॉसेस, और इकोनॉमिक कॉसेस जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा अमरीका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 17 टू 18 सेंचुरी अगेन, फिर से अब यहाँ पे देखिएगा कि सोशली अमेरिका की सोसाइटी एक डेवलप हो चुकी थी। वहाँ पे ये जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम और द ग्रेट अमेरिकन लाइफ का झंडा लेके हुए यहाँ पे अमेरिकन चिल्लाने लग गए थे, बोलो अमेरिकी माता की जय। ओके, हम लोग बोलते रहते हैं ना, वैसे उसी तरह से यहाँ पे जो छोटे बच्चे थे अपना अपना सिस्टम डेवलप करा रहे थे। ओके, अब हम लोग को ये देखना है कि सामाजिक रूप से अमेरिका के अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी थी, पॉलिटिकली वो दे स्टार्टेड गेटिंग अवेयर कि उनको जो पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए वैसा ब्रिटेन उनको दे नहीं रहा है। अब आर्थिक रूप से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेस, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक कॉजेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन 1607 टू 1776। अब देखिएगा कि व्हेन द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव एंड लिबरल, तो उसी का आपको इफेक्ट आपकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, आपकी समाज व्यवस्था आपकी राजकीय व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को तय करेगी। अगर समाज उदारवादी होगा तो आपका जो पॉलिटिक्स है और आपका जो इकोनॉमी है वो भी उतना लिबरल थॉट के ऊपर ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सो ऑलवेज, सो व्हेन द अमेरिकन सोसाइटी वॉज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, तो इसी का ही रिफ्लेक्शन आपको इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही आपको देखने को मिलता है कि अमेरिकन्स जो ये लिबरल एंड प्रोग्रेसिव थॉट के वाले रहने वाले लोग थे, दे वर वेरी मच हार्ड वर्किंग, क्योंकि इनको जब सेटल कराया गया था 1607 के अंदर, तो ब्रिटेन ने इनको भेज दिया था, बोले जा सिमरन जा, भाड़ में जा, ऐसा करके उसको भेज दिया वहां पे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। खुद से इन्होंने जंगल साफ किए, खुद से खेती की, खुद से अपने घर बनाए, खुद से मकान बनाए, और इसी के कारण इनको खुद के अंदर एक विश्वास था, एंड दे वर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। दे एंकरेज मटेरियलिज्म, बोले खुद का व्यापार, खुद की उन्नति करो, खुद का विकास करो। तो ये जो थॉट था, ये जो विचार था, ये विचार के तहत अमेरिकन्स धीरे 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 प्रोग्रेसिव हो रहे थे। और इसी के कारण जब यहाँ पे ये जो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स ने इनको इंटरडिपेंडेंट बना दिया, और इसी के कारण इनका बॉन्ड भी बढ़ गया।
जब व्यापार बढ़ता है तो आपको लगता है ना कि आपको एक हो जाना चाहिए, तो यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग योर ट्रेड एंड कॉमर्स। सही बात ना, कि आप समझिए कि बहुत सारे लोगों को व्यापार करना है बट बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और आपको पता है कि आपको फायदा हो रहा है व्यापार से, तो आप क्या करोगे? बोले ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दो। ब्रिटेन अमेरिकन के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर के ऊपर उभर के आ रहा था। हम लोग देखते हैं कि द पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश रूल, बट उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अमेरिकन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ये लोग की ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर बहुत रुचि थी, ये लोग मटेरियलिज्म को फेवर कर रहे थे और बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग। ईस्टर्न कोस्ट के साफ करते करते अपनी 13 कॉलोनीज को बसाना और इनको डेवलप करना कोई छोटी बात थी, एंड विथ मिनिमम रिसोर्सेज। जब इनिशियली सेटल किए गए थे इनके पास पैसे भी नहीं थे, ना इनके पास ज्यादा स्टेट मशीनरी और स्टेट पावर था। उसके बावजूद दे ओवरकम ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू लाइक नो टू प्रॉस्पर इन देयर लाइफ इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर इनको जो रहने वाली बात थी वहां से था, तो इनका धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया। जैसे मैंने आपको स्लेव्स के बारे में बताया कि ये किस तरह से चलता था। स्लेव्स को यहाँ से अफ्रीका से अमेरिका लेके जाया जा करते थे, अमेरिका के अंदर पोर्ट से कुछ ना कुछ बनता था उसको लंदन भेजते थे, लंदन से मैन्युफैक्चर गुड फिर से अफ्रीका। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल चलता था और वो ट्रायंगल के तहत ही अमेरिकन्स को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो और इनका फायदा भी हुआ। तो 17th to 18th century से अमरीका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे बढ़ता है। जैसे ये है न्यू इंग्लैंड की कॉलोनी 1750s के अंदर, ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर है, जो इनिशियली 13 कॉलोनीज थी उसी के ही जस्ट ऊपर है, ओके। तो बॉस्टन और कनेक्टिकट और माइन जैसे स्टेट से यहाँ पे वहां पे इन्होंने सेटल करा। अभी ये न्यू इंग्लैंड वाले अपनी थोड़ी बहुत चीजें प्रोड्यूस करते थे, जैसे ये लोग वेलिंग प्रोडक्ट्स करते थे फिश के लिए, टिम्बर का इनका खासा खासा प्रोडक्शन था, रम का प्रोडक्शन था, जो एक तो सर्दी वाले विस्तार और वहां पे ये खुद का अपना रम का प्रोडक्शन कर रहे थे 1750s तक आते आते। आयरन का डेवलपमेंट, इनको यहाँ पे बहुत सारी आयरन यो माइंस मिल गई थी, वहां से ये लोग आयरन और प्रोड्यूस कर रहे थे और इसके लिए उनका भी विकास हो रहा था। कैटल एंड ग्रेन की इंडस्ट्री थी, फिश इंडस्ट्री थी, शिप इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। सो द नॉर्दर्न अमेरिकन कोस्ट, पर्टिकुलर द कॉलोनीज इन एंड अराउंड न्यू इंग्लैंड, वहां पे इनका काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो ये जितने भी न्यू इंग्लैंड की टेरिटरी थी, जितने भी कॉलोनीज थी, इनका इंटीग्रेशन ट्रेड एंड कॉमर्स ने करा दिया। और ये जितने भी कॉलोनीज थे इनको लगा कि यार हम लोग व्यापार और बढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे कनेक्टिकट है, कनेक्टिकट के अंदर आपको दिख रहा है, अगर आप लीजेंड के अंदर देखोगे तो वहां पे आयरन दिख रहा है, ओके। सिमिलरली आपके रोड आइलैंड के अंदर भी आयरन दिख रहा है, यहाँ पे माइन से लेके न्यू हैम्पशायर तक, पोर्ट्समाउथ तक जाओगे तो वहां पे टिम्बर इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। सो इसी के कारण अमेरिकन एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, आयरन वाला किसी को टिम्बर देगा, टिम्बर वाला किसी को रम देगा, ओके। तो गम का साथ ही रम, तो उस हिसाब से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। अमेरिकन एक दूसरे का सहारा लेते हुए किसी ना किसी की एक डिमांड थी वो फुलफिल कर रहे थे और इनके कारण इनकी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई। अब ये थे नॉर्थ के स्टेट्स। हम लोग थोड़ा अभी मिडिल कॉलोनीज की तरफ आ जाते हैं और मिडिल कॉलोनीज के अंदर मैंने आपको 13 राज्य बताया ना, ये 13 राज्य की ही स्टोरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। 1715 के अंदर, 50s के अंदर ये ऊपर के जो 4, 5, 6 स्टेट्स थे उनके अंदर इनका बहुत सारा इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन हो चुका था और इकोनॉमिकली इनको बहुत सारी चीजें भी मिल रही थी। दे वर हैविंग एबंडेंट रिसोर्सेज एज वेल, ओके। धीरे 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 इनके पास रिसोर्सेज मिल रहे थे, ओके तो बहुत सारा फायदा भी हुआ। अब देखिएगा ये जो मिडिल कॉलोनीज थी, जो न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, विलिंगटन जैसे स्टेट से, वहां पे कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। वहां पे वीट इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां पे खेती बहुत अच्छा था, ग्रासलैंड से, पिग इंडस्ट्री था, शिपिंग का था, ओके, कैटल इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री। तो इसी के कारण जैसे यहाँ पे वीट बनाया जा रहा है मिडिल कॉलोनीज के अंदर, तो वीट वाला क्या करेगा, ऊपर नॉर्दर्न की ये जो न्यू इंग्लैंड की कॉलोनी है उसको देगा कि बोले चल तू मुझे लोहा दे, मैं तुम्हें गेहूं देता हूं। तो इस हिसाब से इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सिंपल चीज है यार, इनकी बढ़नी है। तो 1750 तक आते आते ये न्यू इंग्लैंड वाला मिडिल कॉलोनीज को बोलेगा कि मैं तुम्हें लोहा देता हूं, तुम मुझे क्या दो, कि तुम मुझे वीट बना के दे दो। चलो कोई बात नहीं, इसको वीट दे दिया गया। आयरन इंडस्ट्री भी इनके अंदर थी, थोड़ा बहुत टिम्बर भी था और भी इंडस्ट्री, फर इंडस्ट्री। अभी ठंडा प्रदेश, इनको गर्मी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने आप की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो प्रोटेक्शन आपका नेचुरल प्रोटेक्शन, आज के जैसे थर्मल तो था नहीं, थर्मोकॉट वाला ये इनर पहन लिया और
वो था ना कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाए, वैसा तो पॉसिबल था नहीं अमेरिका के अंदर उस टाइम के अंदर। तो इनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसी का ही कंजम्पटिव यूज करना था अमेरिकन को। और अमेरिकन ने 1750 तक आते आते हमको ये जानकारी मिल रही है कि इनका ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है, और ट्रेडिंग के अंदर इनकी जो ट्रेड के मटेरियल्स थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनको वहां से भी इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था। अब थोड़ा बहुत चले जाते हैं वो है साउदर्न कॉलोनीज की तरफ और साउदर्न स्टेट्स के अंदर। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो साउदर्न स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे राइस, टबेको, इंडिगो, कॉर्न। अब आप समझिए कि अमेरिका के अंदर जैसे ये है पिग इंडस्ट्री, ओके, वहां पे जैसे है ना हम लोग के यहाँ पोल्ट्री फार्म है, वहां पे स्वाइन फार्म हुआ करते हैं, ओके, आपके जितने भी डुकर है तो उसको मस्त तेल में फ्राई करके उनका खाने का शौक है उनके थोड़े, सो दे ईट दिस पॉक मीट, और वो पॉक मीट को जो पॉक को पूरी की पूरी जो पोल्ट्री के अंदर रखा जाता है, पॉक के फार्म के अंदर को रखा जाता है, तो वहां पे वो सब स्वाइन को कॉर्न खिलाया जाता है। आज को आपको पता ही होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉर्न का, ओके। सो ये जो साउदर्न स्टेट्स है, ये साउदर्न स्टेट्स के अंदर इंडिगो एक कैश क्रॉप, कॉर्न जो इनके लिए बहुत एसेंशियल था क्योंकि इनका जो स्वाइन इंडस्ट्री जो था, जो पोक इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट था क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर उगाया जाता था। राइस से फॉर एग्जाम्पल, ये साउदर्न स्टेट से देवर मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड, तो एग्रीकल्चर बेस्ड और कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड थे। नॉर्दर्न स्टेट्स कैसे थे, वो हैवी इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्री उस टाइम की हैवी इंडस्ट्री हुआ करती थी। जैसे साउथ वाला नॉर्थ के साथ ट्रेड करेगा, नॉर्थ वाला मिडल के साथ करेगा, मिडल स्टेट्स वाले जितने भी लोग थे वो लोग किसके साथ ट्रेड करेंगे, दोनों के साथ। तो जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्वाइन इंडस्ट्री है यहाँ पे, या आपकी इंडिगो इंडस्ट्री है या टोबैको इंडस्ट्री है जो एक कैश क्रॉप के तौर के ऊपर दिखा जाता है, तो ये कैश क्रॉप उगा रहे थे और ये एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो इनकी इंटरडिपेंडेंसी और बॉन्डिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल चीज है। तो इनके कारण इनके बीच में एक कोहेसिवनेस और बॉन्डिंग आ चुकी थी। तो सोशली ये लोग अमेरिकन बन चुके थे, इकोनॉमिकली इनके लिए बहुत ही आवश्यकता हो चुकी थी कि ये बीच का कोई बैरियर हट जाए ना ब्रिटेन नाम का, तो हमको और फायदा हो सकता है। हो सकता है कि ब्रिटेन इनके बीच में कुछ ना कुछ अड़चने अड़ा रहा था। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की मर्केंटलिस्ट पॉलिसी किस तरह से यहाँ पे अमेरिकन ट्रेड को अफेक्ट करेगी, और ये जब अमेरिकन ट्रेड को अफेक्ट करती है तो अमेरिकन को लगता है कि ब्रिटेन को हटा देना चाहिए, ब्रिटेन को हटाएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हम लोग स्ट्रांग हो गए और सबका साथ अपना विकास, तो अच्छा खासा डेवलपमेंट अमेरिकन का हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी देखी है। अब लोग थोड़ा बहुत कल्चरल एस्पेक्ट की तरफ चले जाते हैं। अब देखेगा कि ये कल्चरल एस्पेक्ट मैं आपको क्यों अलग से करा रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब कल्चरल डेवलपमेंट अमेरिकन का, मैंने आपको बताया सोसाइटी कैसी थी, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। वो लिबरल एंड प्रोग्रेसिव थॉट आपकी इकोनॉमी के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया, वो लिबरल एंड प्रोग्रेसिव थॉट ने आपके पॉलिटिक्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया। जब अमेरिकन ने बोला कि वी वॉन्ट होम रूल एंड स्वराज, द सेम वे कल्चरली अमेरिकन स्टार्टेड डेवलपिंग themselves, और वो एक अलग से एक नया हाइब्रिड कल्चर उभर के आ रहा था। ये कल्चर क्यों उभर के आया, उसके पीछे अमेरिका के अंदर जो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है ना वो जिम्मेदार है। अब देखिएगा कि ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई, ये आइडियोलॉजी आई है पूरी की पूरी यूरोप से। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड पता होगा, जब ट्रांजिशन हो रहा था मिडिवलिज्म से मॉडर्निज्म की तरफ, तो दो फिनोमेना ने पूरी की पूरी दुनिया के विचारों को बदल दिए। पहला था रेनेसों, पुनर्जागरण, और उसके बाद ही एक नया वहां से सिस्टम डेवलप, एक नया थॉट प्रोसेस है जिसे कहा जाता है एनलाइटनमेंट, प्रबोधन। ये रेनेसों और एनलाइटनमेंट दोनों ही दोनों लिबरल थॉट्स को प्रमोट करते थे, उदारवादी विचारधारा। बोले खोल दो दुनिया को, बड़े ये दीवार टूटती क्यों नहीं, बोले तोड़ दो ये दीवार को, बोले दीवार रहनी नहीं चाहिए, लेट द मैन बी फ्री फ्रॉम द योक ऑफ द स्टेट। बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं जो लोग बोलते हैं कि मनुष्य को खुला कर दो, एंड एज ए रिजल्ट यू विल सी कि ये लिबरल थॉट के तहत तक आते आते अमेरिका के अंदर भी 1750 का जो समय था वो 1750 तक आते आते अमेरिका के लोगों को आइडियोलॉजिकली बहुत सारी चीजें समझ में आ गई थी। बोले यहाँ पे मोनार्क राज कर रहा है, बोले कहाँ बैठा है, बोले लंदन के अंदर बैठा है,
बोले यहाँ पे करप्शन है, क्यों करप्शन है, क्योंकि उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, बोले ये गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, बोले लंदन वाले अपॉइंट करते हैं। हमको क्या चाहिए, बोले हमको रिपब्लिकनिज्म चाहिए, हमको हमारा सेल्फ रूल चाहिए, हमको हमारी होम रूल चाहिए, हमको हमारा स्वराज चाहिए। ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने वाले लोग थे, जो आइडियोलॉजिकली अमेरिकन को झकझोर करने वाले लोग थे, उसमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे। और ये वही इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स को डेवलप किया। अब आप समझिए, ये है ना, ये फिलोसफर्स एंड ये जो आइडियोलॉजिकल थिंकर्स है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमको लगता है कि ये तो खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, भाई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता ये, है ना, आदमी को अपनी जो रूह के साथ कनेक्ट कर देता है, बोले उसकी स्पिरिट कहाँ बोल रही है। इन्होंने भी यही किया। एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम था जॉन लॉक, तो फादर ऑफ लिबरलिज्म, मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट के जो इनिशियल फाउंडर्स बोले जाते हैं। तो इन्होंने बता दिया दैट द पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, बोले लेट द मैन बी फ्री फ्रॉम द योक ऑफ द स्टेट, कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ मैन टू प्रोग्रेस, बोले मनुष्य तो बड़ा महान है। और यहाँ पे अमेरिकन को खास करके ब्रिटेन रोक रहा था इनडायरेक्टली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो यहाँ पे इतने सारे थॉट से वो थॉट देने वाले लोगों ने अमेरिकन्स को इन्फ्लुएंस कर दिया। बोले यार ये जॉन लॉक तो सही बताता था, जॉन लॉक ने तो कुछ गलत नहीं बताया कि ये लिबरल थॉट के पीछे बात कर रहा है। अब जॉन लॉक तो यूरोप में बैठा बैठा ये सब चीजें इन्होंने आज से कई सालों पहले लिखी थी, बट वही चीजों को अमेरिकन्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। एक इंडिविजुअल अमेरिकन के उभर के आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आइडियोलॉजिकली अपनी बात रखते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ओके, तो इनका एक न्यूज़पेपर आता था पेंसिल्वेनिया गैजेट। ये पेंसिल्वेनिया गैजेट के अंदर अमेरिका की जितने भी प्रॉब्लम्स थी, मोनार्की से लेके, करप्शन से लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो भी इश्यू था, वो सब की सब चीजें ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वहां पे हाईलाइट कराते थे। बोले क्या कर रहे हो ये, ब्रिटेन क्या कर रहा है, हम लोग को किस तरह से जाना चाहिए। सो अमेरिकन्स को पूरी की पूरी तरह से जो है ना कि एक आइडियोलॉजिकल पैरामीटर के अंदर, एक यूनिफॉर्म वे के अंदर जो सोचने की जिन्होंने आवश्यकता डाली थी, उसमें से ही एक इनके फिलोसफर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका बोलते हैं, आज की $100 का जो बिल है, यूएस की जो नोट है, उनके ऊपर इनका ही फोटो आता है। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो $100 बिल उनका, उनके वहां पे अलग है, $20 पे किसी का आएगा, $50 के किसके ऊपर, हमारे यहाँ तो एक ही फोटो आता है, गांधी बाबू का, ओके, पर वहां पे बहुत सारे लोगों का ये लोग फोटोज यूज करते हैं अलग अलग नोट्स के हिसाब से, ओके। खैर, ये इंडिविजुअल्स की बात कर रहा था। एक तीसरे इंडिविजुअल आए जिनका नाम था थॉमस पेन। इन्होंने एक किताब लिख दी कॉमन सेंस, और ये कॉमन सेंस के अंदर में इन्होंने हाईलाइट कर दिया, बोले कौन सी चीजें हैं, ये रिपब्लिकनिज्म से लेके, मोनार्की से लेके, करप्शन से लेके, बोले ये हम लोग को किस तरह से ब्रिटेन हम लोग को शोषण कर रहा है, एंड ऑल दिस थिंग पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग। तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स थे, ये इंडिविजुअल्स के विचार थे, वो विचारों से बहुत सारे अमेरिकन प्रभावित हो गए। और इनका एक कल्चर ये है ना कि इंडिविजुअल लिबरल प्रोग्रेसिव कल्चर, अमेरिकन कल्चर, इन्होंने खुद का एक डेवलप करा दिया। थॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बुद्धा की तरह इन्होंने एक्ट किया। दे मेड द अमेरिकन अवेयर अबाउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। बुद्ध ने बताया था ना दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस। बुद्ध ने क्या बताया था, बोले दुनिया के अंदर गम ही गम है। क्यों? क्योंकि आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी ग्रीडीनेस है, आपकी जो डिजायर है, वो ये सोरोस के कारण है। अमेरिकन्स के अंदर भी बताया कि आपका विकास अटक रहा है, या आपके डेवलपमेंट के अंदर कोई एक चीज आपको ऑब्स्ट्रक्शन डाल रही है, वो क्या है, वो है ब्रिटेन। सो दे मेड द अमेरिकन्स अवेयर अबाउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। बोले ब्रिटेन आपका शोषण कर रहा है, आपको ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ही चाहिए। सो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, बाय 1750s अमेरिका इमर्ज्ड एज वन सिंगल कोहेसिव ग्रुप। अब तो ये समय की ही बात थी कि कोई एक प्रदेश जब सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजकीय रूप से और आर्थिक रूप से एक हो जाता है, और उसके ऊपर राज करने वाला देश अगर उसको इवॉल्व करने के लिए मौका नहीं देगा तो क्या होगा? तो एक ही चीज होगी, वो है क्रांति, क्रांति और क्रांति। सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो हम लोग डेवलपमेंट बता रहा हूं,
उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ. सो बाय 1750s द अमेरिका इमर्ज्ड एज अ वन सिंगल ग्रुप सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कल्चरली आइडियोलॉजिकली एंड द अमेरिकन्स थॉट दैट वी आर अमेरिकन्स फर्स्ट एंड द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग अस. और जब यहां पे आपको देखने को मिलता है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा सोशल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. ये इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मौका दिया किसको अर्बनाइजेशन को. सो बाय 1750s अमेरिका के अंदर बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज बन के आ रहे हैं. जब जब यहाँ पे अर्बन एरियाज हो गए तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको एजुकेशन मीडिया प्रेस यूनिवर्सिटीज सब उभर के आ रही हो और ये लोग क्या काम करेंगे, दिल स्प्रेड द रैशनलिस्ट थॉट्स. और यही एजुकेशन जो क्लब से डिबेट क्लब से न्यूज़पेपर से जर्नल्स से ये सब चीजों ने एक ही चीज हाईलाइट की कि ब्रिटेन हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है. आपको देखने को मिलता है 1636 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ विलियन एंड मैरी 1693 येल यूनिवर्सिटी 1701 पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी 1740 तक इतनी सारी जब यूनिवर्सिटीज बन रही है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है. और आपको लगता है कि एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा आपको विकास के तौर के ऊपर रोकने के लिए जिम्मेदार है वो है ब्रिटेन, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे अमेरिकन पीपल होगा. और अमेरिका के लोग 1750 तक अपने आप को अमेरिकन आइडेंटिफाई कर रहे थे और ये खाली एक मैटर ऑफ टाइम था कि ये आज नहीं तो कल रिवॉल्ट करेंगे.